हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। तो क्या आप भी वो मैजिकल रेमेडी ढूंढ रहे हो जिससे कि सन टैन को गायब किया जा सकता है? अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई रेमेडी या ऐसी कोई ट्रिक जो ओवरनाइट सन टैन को गायब कर दे, ये आज तक बना नहीं है। हाउएवर, मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आप सन टैन को अवॉइड कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, और अगर टैनिंग हो भी जाए तो उसको रिड्यूस कर सकते हो विद 100% नेचुरल होम रेमेडीज। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैनिंग को अवॉइड करने की। टैनिंग को अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका क्या है? पहला तरीका तो ये है कि आप बाहर जाना ही अवॉइड करें, सन एक्सपोजर को टोटली अवॉइड करें। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये पॉसिबल नहीं है कि हम टोटली सन एक्सपोजर को अवॉइड करें, और हमें करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज सन रेज जो हैं वो बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमें डेली बेसिस पे कुछ एक्सपोजर टू सन डेफिनेटली मिले। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप 9:30 to 5 इन द इवनिंग या 10 to 5 इन द मॉर्निंग टू 5 इन द इवनिंग, इस टाइम पे डेफिनेटली बाहर जाना अवॉइड करें जितना पॉसिबल हो सकता है। और अगर आपको जाना भी पड़े तो आप सेकंड टिप ज़रूर फॉलो करें जो सन टैन को अवॉइड करने में बहुत हेल्प करता है, वो है एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को हम कई बार बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जब हम अपना पूरा स्किन केयर रेडी करते हैं तो उसमें हम सनस्क्रीन को भूल जाते हैं या सनस्क्रीन को अप्लाई नहीं करते। हमें ऐसे लगता है कि थोड़ा बहुत डिस्टेंस जाना है, टैनिंग नहीं होगी, बट टैनिंग थोड़े बहुत एक्सपोजर से भी हो जाती है। इसीलिए सनस्क्रीन इज़ मैंडेटरी इन योर स्किन केयर किट, स्पेशली फॉर योर चिल्ड्रेन जिनको बाहर धूप गर्मी किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कबीर के लिए कौन सा सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, ये सनस्क्रीन मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, और सनस्क्रीन को अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। तो कबीर के लिए जो सनस्क्रीन मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ममा अर्थ का मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन फॉर बेबीज। ये SPF 20+ है। ये 0 to 10 ईयर्स तक के बच्चों पे इजीली यूज़ हो सकता है। ममा अर्थ इज़ अ नोन ब्रांड व्हेन इट कम्स टू यूजिंग टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स, 100% नेचुरल, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, हाइपोएलोजेनिक। इन सारी चीज़ों का ध्यान ममा अर्थ एज अ ब्रांड अपने सारे प्रोडक्ट्स में रखता है, तो इन सब चीज़ों की हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू देयर प्रोडक्ट। ये जो सनस्क्रीन है ये एक बॉटल साइज सनस्क्रीन है। आप इसे ओपन करोगे तो ये एक पंप स्टाइल बॉटल है। बहुत इजीली स्किन पे अप्लाई हो जाता है, बिल्कुल स्मेली नहीं होता, स्किन जो है वो वाइट फील नहीं करती या पैची फील नहीं करती, ऑयली फील नहीं करती इसको लगाने के बाद। 299 रुपीज का है ये, और इसकी 2 साल की एक्सपायरी है, तो अच्छा खासा यूज भी हो जाता है। अब ये जो सनस्क्रीन है ये वैसे 299 रुपीस का है। हाउएवर, अगर आप मॉमकॉम इंडिया का डिस्काउंट कोड यूज़ करके इसे ममाअर्थ की वेबसाइट से लेते हो तो आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट कोड हमारा है MOMCOM20। ये मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी फॉर योर रेफरेंस, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, और आप प्रोडक्ट लिंक भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पिक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये ऑनलाइन भी मिलता है, काफ़ी सारे रिटेल स्टोर्स में भी मिलता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आप सर्च कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके की इंग्रेडिएंट्स के बारे में, और ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिसके बारे में मैंने नॉर्मली भी काफी बात करी है। मैं जनरली इन इंग्रेडिएंट्स को देखती हूं व्हेनेवर इट कम्स टू बाइंग प्रोडक्ट्स फॉर माय चाइल्ड। तो इसमें है प्यूरिफाइड वाटर, जिंक ऑक्साइड, शिया बटर, कोको बटर, राइस ब्रान ऑयल, ऑलिव ऑयल, विटामिन ई, लैवेंडर एसेंशियल ऑयल। तो बेसिकली काफ़ी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को मिला के इस सनस्क्रीन को बनाया गया, अपार्ट फ्रॉम अदर इंग्रेडिएंट्स। सो आई थिंक दैट वे इज़ ऑल्सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया कि ये बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, तो आई जस्ट लव दैट। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने नॉर्मली लोगों को देखा है कि दे विल रिजेक्ट अ प्रोडक्ट सेइंग कि ये प्रोडक्ट मेरे बच्चे पे सूट नहीं कर रहा है, बट मे बी मुझे ऐसा लगता है दैट वी डोंट नो कि राइट तरीका उसको अप्लाई करने का या उसको यूज़ करने का क्या है, जिसकी वजह से हमें उसके राइट रिजल्ट्स नहीं मिलते। नाउ व्हेनेवर यू अप्लाइंग द सनस्क्रीन, आप रूल याद रखें, जब आप बेबी को मॉइस्चराइजर लगा देते हो मॉर्निंग में, उसके बाद आपको सनस्क्रीन एज अ मैंडेटरी स्टेप लगाना ही है। दिस शुड बी डन एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर स्टेपिंग आउट इन द सन, और अगर आपका सन एक्सपोजर 2 घंटे से ऊपर चलने वाला है तो एवरी 2 आवर्स आपको सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना ज़रूरी है।
इससे एक अच्छी लेयर जो है वो स्किन पे बनी रहती है और टैनिंग से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है ये सनस्क्रीन। तो मेक श्योर आप राइट तरीके से इसे अप्लाई करो जिससे आपको इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छी तरह मिलेंगे। बिफोर वी प्रोसीड एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरे काफ़ी व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि आप ममाअर्थ के इतने प्रोडक्ट्स ही क्यों यूज़ करते हो या फिर आप ममाअर्थ के बारे में इतना पैशनेटली बात क्यों करते हो। तो देर आर टू रीजंस टू इट। नंबर वन, एज अ पेरेंटिंग चैनल आई फील दैट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप एक्सप्लोरिंग न्यू products that are out there in the market या new brands that are out there in the market that are promising safe and gentle products for the babies. And if I like anything, I definitely should share it with my community. That's number one. Number two, Mamaearth is a well-established brand. They are receiving so many accolades and awards for the good work that they are doing in the market with their 100% natural and toxin-free products. In fact, if you follow the news, they have recently been awarded under the best brand category by Economic Times for the year 2018-19. So all of this makes me feel quite safe and secure, and hence I talk about them quite a lot. तो अब बात करते हैं कि अगर सनटैन हो गया है तो उसे क्योर कैसे किया जाए। सनटैन को क्योर करने का बेस्ट तरीका आपके किचन में ही है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। 100% नेचुरल होम रेमेडीज़ को यूज़ करके आप टैन को एक्चुअली धीरे 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 रिड्यूस कर सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट एनी हार्म ऑन द स्किन। मैं यहाँ पे आपसे वो रेमेडीज शेयर करूँगी जो मेरी मम्मी, मेरी दादी, हमने सबको ही करते हुए देखा है और अब हम कबीर पे भी ऑन एंड ऑफ यूज़ करते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है। मैं यहाँ पे आपसे काफ़ी सारी रेमेडीज इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज हर बच्चे की स्किन अलग होती है, तो आपके बच्चे पे जो सूट करे उसके अकॉर्डिंगली आपको वो यूज़ करना है। कोई भी रेमेडी यूज़ करने से पहले एक पैच टेस्ट करके ज़रूर देख लीजिए। सबसे पहली रेमेडी है बेसन रिलेटेड रेमेडी। तो आप 2 बड़े चम्मच बेसन ले लीजिए, उसमें चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए और उसके बाद आप 2 बड़े चम्मच दूध उसमें डाल दीजिए। थोड़ा गाढ़ा वाला दूध आप ले लीजिए, वो डाल दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, एक पेस्ट टाइप कंसिस्टेंसी बना लीजिए जिसको स्किन पे लगाना ईजी। इसको आप स्किन पे लगा दीजिए और 10 से 15 मिनट बाद जब ये थोड़ा सा सूखने लग जाए उस टाइम पे पानी लेके आप बहुत हल्के हल्के हाथों से जैसे उपटन को स्क्रब करते हैं उस तरह से इसको स्क्रब कर दीजिए। क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत छोटे होते हैं इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप उनके मुंह के पास इसे ना लगाएं कि गलती से उनके मुंह के अंदर नहीं चला जाए। तो सिर्फ उस एरिया पे लगाएं जहां पे आपको दिखता है कि टैनिंग ज्यादा है। जैसे जनरली बच्चों को आर्म्स पे टैनिंग हो जाती है, फीट पे टैनिंग हो जाती है, फेस पे टैनिंग हो जाती है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उन पर्टिकुलर एरियाज में इसको लगाएं। ये वाली रेमेडी थोड़े बड़े बच्चों पे आप यूज़ करें ताकि गलती से भी वो अपना हाथ मुंह पे ना लगा लें या फिर उनकी आँख में या मुंह में ना चला जाए। तो ये थोड़ी ऐसी रेमेडी है जो थोड़े बड़े बच्चों के लिए, बट डेफिनेटली ये बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी रेमेडी जो है वो है कच्चा दूध। कच्चा दूध आपको नॉर्मली भी बच्चे की स्किन पे मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए यूज़ करना अच्छा रहता है। तो कच्चा दूध आपको किस तरह से यूज़ करना है, आप बच्चे के मुंह पे कॉटन बॉल लेके उसको डिप कर लीजिए कच्चे दूध में और अच्छी तरह से जो भी टैन इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे उसको लगा दीजिए। 10 से 15 मिनट उसको सूखने दीजिए, जब वो सूख जाए तो ठंडे पानी से उसको उतार दीजिए। ये एक ऐसी रेमेडी है जो आप नॉर्मल में भी कर सकते हो, जब आपने बच्चे की बॉडी पे मसाज कर दिया तो उसके मुंह पे अगर आपको लगाना है उस टाइम पे आप लगा दो, बाथ में अभी 10-15 मिनट है जाके सीधा बाथ दे दो तो अच्छी तरह से कच्चा दूध उतर जाएगा। या फिर जब आपने बच्चे को बाथ दे दिया है लास्ट में आप उसको थोड़ा सा ड्राई करके कच्चा दूध लगा सकते हो। 5-10 मिनट उसको आराम से बाथ में ही बैठने दो और उसके बाद उसे वॉश ऑफ कर दो। बट कच्चा दूध ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टैनिंग को बहुत अच्छी तरह से रिड्यूस करता है और स्किन पे मॉइस्चर मेंटेन करता है। तीसरी रेमेडी है कुकुम्बर जूस, यानी खीरे का जूस। आप खीरे को ग्रेट कर लीजिए, उसका जूस निकाल दीजिए। जिस तरह से कच्चे दूध को आपने कॉटन में डिप करके लगाया है, सिमिलरली आप खीरे के जूस को कॉटन में डिप करके लगाइए। ये बहुत अच्छा कूलिंग एजेंट होता है। जब जिनको सन टैन की वजह से बर्न टाइप फील होता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, तो आप ये डेफिनेटली पूरी बॉडी और फेस पे लगा सकते हैं। चौथी रेमेडी है चंदन पाउडर। 2 टेबलस्पून आप सैंडलवुड पाउडर या फिर चंदन पाउडर जो बोला जाता है उसको ले लीजिए। उसमें रोज़ वाटर मिलाइए, इतना मिलाइए कि स्मूथ पेस्ट बन सके और उसको आप आराम से स्किन पे लगा सकते हैं। अगेन बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट देता है ये। अगली रेमेडी है टमाटर रिलेटेड रेमेडी। ये रेमेडी काफ़ी लोगों को सूट नहीं करती है, स्पेशली बहुत छोटे बच्चों को सूट नहीं करती है, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और टमाटर से उनको थोड़ा सा जलन हो सकता है, बट बड़े बच्चों पे आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो आप 2 बड़े चम्मच टमाटर का जूस ले लीजिए, उसमें आप दही मिला लीजिए
एक से डेढ़ बड़ा चम्मच, डिपेंडिंग ऑन की कंसिस्टेंसी कितना ठीक बैठ रहा है, वो पेस्ट बना लीजिए, स्किन पे लगा दीजिए जो भी टैन वाला एरिया है, 15-20 मिनट उसे सूखने दीजिए और नॉर्मल पानी के साथ धीरे धीरे बिल्कुल हल्के हाथों से रब करके उसे उतार दीजिए। और लास्ट है नींबू और हनी। आप 2 चम्मच नींबू का जूस ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच हनी मिला लीजिए, स्मूथ पेस्ट बना लीजिए और इसको स्किन पे लगा लीजिए। नॉट ओनली सन टैन रिमूवल बट जनरली भी ये स्किन को मॉइस्चर करने का काम करता है, स्किन पे एक बहुत अच्छा ग्लो आता है हनी की वजह से, तो आप इसको भी इजीली लगा सकते हैं। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेमेडीज जो डिफरेंट स्किन टाइप्स पे अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे मैंने बताया, टेस्ट करो और फिर देखो कि आपको कौन सा वाला अप्लाई करना है। नॉट ओनली फॉर बेबीज, किड्स, आप ये अपने ऊपर भी लगा सकते हो, बट मैं फिर से बोलूंगी कि बच्चों पे लगाते हुए बहुत ध्यान दीजिए कि मुंह पे बिल्कुल नहीं लगे, आंखों पे नहीं लगे, अगर बच्चे के हाथ में लगे तो वो मुंह में नहीं डाले, और कहीं पे भी अगर कट है तो वहां पे आप इसको बिल्कुल ना लगाएं, बिकॉज काफ़ी जलन वगैरह हो सकता है बच्चों को कुछ केसेस में। तो इसको टोटली आपको पैच टेस्ट करने के बाद ही अप्लाई करना है। फ्रॉम फेस टू स्किन बॉडी आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। तो होप आपको ये मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक बटन हिट करना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ हेल्प ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज आई एम श्योर एवरीबडी इज फेसिंग अ प्रॉब्लम विद सन टैनिंग एंड दिस वीडियो कैन रियली हेल्प देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लविंग मॉम कॉम इंडिया ऑलवेज। बाय।